रमजान के अलविदा जुमे की नमाज को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। डीएम रविंद्र कुमार, एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने नगर के कसेरी बाजार स्थित सियाम जामा मस्जिद का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधीनस्थों को उचित कार्रवाई के आदेश दिए। डीएम रविंद्र कुमार ने कहा कि अलविदा जुमे की नमाज के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने बताया कि प्रत्येक इलाकों में नमाज को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिला प्रशासन की तैयारी से मुस्लिम समाज के लोग अपने अपने इलाकों में नमाज की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं शहर के अटाला मस्जिद, बड़ी मस्जिद, शाही ईदगाह सहित ऐतिहासिक मस्जिदों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अलविदा जुमे के दिन करीब 1 लाख से अधिक लोग अलग अलग मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे। परेशान कोई नहीं है। सबसे पहले तो एक बहुत ही पवित्र दिन है और जुमे की नमाज़ होनी है, और अभी जैसा अभी आपके सामने अपील भी की गई है, तो मैं भी सबसे ये अपील करूँगा। एक तो बहुत ही पवित्र दिन है और इस पवित्र दिन पर अच्छी व्यवस्थाओं के साथ में सभी लोग अपनी धार्मिक परंपरा के हिसाब से उसको मनाएं, नमाज अदा करें। और चूँकि शहर में थोड़ी सी जगह कम रहती है यहाँ पे, इसलिए मैं और कप्तान साहब हमने अपील की थी हमारे पूरे मस्जिद प्रबंधन से कि आप अपनी तरफ से भी एक बार फिर जारी करें। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने अपील भी जारी की है। तो अपने अपने स्थानीय क्षेत्रों में मस्जिदों में सब लोग नमाज भी अदा करें, त्यौहार भी जो ये है अच्छे से मने, और इसके अतिरिक्त असुविधा भी यहाँ पे मस्जिद प्रबंधन को ना हो। और जो यहाँ पे जो व्यवस्थाएँ होनी है, साफ़ सफाई होनी है, नगर पालिका से बिजली के तार हम देख रहे हैं, तो उसमें भी हमारी टीम पहले से भी काम कर रही है। अभी और अंतिम चरण का काम आज से शुरू होगा, तो ताकि किसी प्रकार से नमाजियों को दिक्कत। ईद के मद्देनजर और क्या क्या तैयारियां, कहाँ कहाँ का निरीक्षण? ईद को लेकर और चैत्र नवरात्रि को लेकर और अंबेडकर जयंती भी आने वाली है, उसको लेकर बहुत व्यापक तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। अभी पीस कमेटी की मीटिंग हमने पिछले दिनों की थी, फिर से एक बार हम उसको आगे करने जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ पे भी जो जिनके मंदिर हैं, मस्जिद हैं, जहाँ जहाँ पे भी त्यौहार मनाए जाएंगे सभी हमारे समुदाय को, तो उनके धार्मिक स्थलों के आसपास की साफ़ सफाई हो, वहाँ पे लटके हुए तारों की समस्या ना हो, मार्केट्स में भी किसी प्रकार की समस्या ना हो, मार्केट्स में ओवर रेटिंग ना हो कि कई बार चीज़ें महंगी बेचने लग जाते हैं रमजान के दिनों में, तो दुकानदारों को भी हमारी हिदायत रहेगी। तो इस प्रकार से सभी पक्षों पे हम लोग मिलकर काम करेंगे और जौनपुर में अमन चैन के साथ में, परस्पर प्रेम और शांति के साथ में सभी त्यौहार मनाए गए, उसकी व्यवस्था पुख्ता रूप से करें। देखिए, आगामी दिनों में कई त्यौहार, जैसे कि अभी डीएम साहब ने बताया कि कल जैसे अलविदा जुमे की नमाज है और आगामी दिनों में ईद की और फिर चैत्र नवरात्रि की और अन्य बाबा साहेब अम्बेडकर के दिन की, इस तरह के त्यौहार हैं। तो सभी के संबंध में जो स्टेक होल्डर्स हैं सभी उनके साथ में मीटिंग और फैसले ले गई, जो दिशा निर्देश थे वो सभी तक पहुँचा दिए गए हैं और सभी की इसमें जो सहायता है वो भी उसमें सभी से अनुरोध किया गया है, और पब्लिक की हेल्प के साथ में सभी के सहभागिता के साथ में सभी त्यौहारों को सकुशलता से ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। सभी जगह पे जो ड्यूटीज लगनी है उसका भी खाका तैयार कर लिया गया है और पूरी तरह जनपद में अमन खान काम करेगा। कल अलविदा जुमे की नमाज है और एडमिनिस्ट्रेशन ने अपील करने के खास तो क्या अपील करेंगे आप और लोगों से? हम अपील यही करेंगे अपने तमाम शिया भाइयों से जितने भी हैं कि 5.5 किलोमीटर दूरी पर जितनी भी जुमा होती है जहाँ जहाँ भी, वो लोग शहर के अंदर ना आए जुमा पढ़ने। बहुत सारे लोग आते हैं मार्केट करने और दूसरे काम से, तो सोचते हैं यहाँ जुमा भी पढ़ लेंगे, हमारे पास जगह इतनी नहीं है, और क्योंकि शहर में भी ज़्यादा हैं शिया, इसलिए सभी से हम दरख्वास्त करते हैं और मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि उनके यहाँ जुमा होती है वहीं जुमा पढ़ें तो बेहतर होगा, और वहाँ भी मस्जिदें आबाद होना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी मस्जिदों में लोग रहेंगे तो उसका उनको सवाब भी ज़्यादा मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। सब एक जगह जो है भीड़ भाड़ हो ठीक नहीं है, हमें भी दिक्कत होती है और हमारे अफिसरान को भी दिक्कत होती है, पुलिस हुकाम को दिक्कतें आती हैं, भीड़ ज़्यादा होती है तो जाहिर सी बात परेशानियाँ तो बढ़ती हैं हमारे लिए भी, और मस्जिद छोटी है इसलिए जो है जगह इतनी नहीं है। तो हम दरख्वास्त करते हैं जहाँ जहाँ भी जुमा होता है, जफराबाद है, बादशाहपुर है, चकमालुंडी है, आपके लगिन पट्टी मुबरखा है, रन्नो है, कजगांव है, जहाँ जहाँ भी जो है शियों की होती है, तो इसलिए वो नहीं नमाज पढ़े। हमारे यहाँ मुश्किल ये है 5.5 किलोमीटर के इलाके में दूसरी जुमा नहीं हो सकती, अगर होती तो हम दूसरी भी कर लेते, लेकिन
मुश्किल ये है, तो इसलिए हमारी मुश्किल को लोग समझें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने इलाके में नमाज़ पढ़ें और वही नमाज अदा करें, बेहतर होगा उनके लिए और मेरे लिए और हमारे अफिसरान जो हैं उनके लिए जो है।